Hi everyone, I'm Arshdeep and welcome back to my channel, The Everyday Economist. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्लासिकल मॉडल के केस में. हमारे पास दो डिफरेंट व्यूज होते हैं, एक है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का व्यू और एक है केन्स का व्यू, और इसी के अंदर डिफर करती है हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लासिकल मॉडल. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से कि क्लासिकल मॉडल के अंदर जो है अजम्पशंस कैसी हैं. पहली अजम्पशन और पहला डिफरेंस जो कि सबसे मेन डिफरेंस है क्लासिकल और कैनेडियन मॉडल में, वो ये है कि हमारा क्लासिकल मॉडल कंसिडर करता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डिवाइडेड है एक शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में. डिफरेंस जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में है वो ये है बेसिकली कि शॉर्ट रन के अंदर जो हमारी वेजेस हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वेजेस वेरिएबल होती हैं. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं. हमारा जो क्लासिकल मॉडल है वो कहता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी वो सेट है, वो चेंज नहीं होती. तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है दैट लुक्स लाइक अ नॉर्मल डिमांड विच इज़ लाइक दिस. एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन में डिफरेंट है और लॉन्ग रन में डिफरेंट. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई यानी SRAS जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वेजेस कंसिडर करते हैं क्योंकि वेजेस एक बहुत बड़ा चंक है हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का. सिमिलरली LRAS जो है वो हमारा डिटर्मिन होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से. यहाँ कॉस्ट नहीं बल्कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी देखा जाता है. अब SRAS जो है उसकी शेप एक नॉर्मल एग्रीगेट सप्लाई कर्व जैसी है लाइक दिस, एंड जो LRAS है वो इस तरह से वर्टिकल होता है. अब LRAS के अंदर एक ये वर्ड है सस्टेनेबली, यानी कि LRAS लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी से देखते हैं सस्टेनेबली. ये वर्ड सस्टेनेबली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सस्टेनेबली का मतलब है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं वो एक ऐसी तरह से यूज़ हो रहे हैं जो सस्टेनेबल है, यानी उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही. इस वर्ड की रेलिवेंस जो है हमें आगे ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी. अब क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई दो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन की, तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक जो कि शॉर्ट रन में और एक जो है लॉन्ग रन में. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शॉर्ट रन के अंदर वेजेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्ग रन में वेरिएबल है. हमारी लॉन्ग रन के अंदर एक इकॉनमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, और अगर कभी भी इकॉनमी में शॉर्ट रन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां रिसेशन है या इन्फ्लेशन है और इकॉनमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है, तो एक दूसरी अजम्पशन क्लासिकल मॉडल की ये कहती है कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी. इकॉनमी में अगर कोई प्रॉब्लम है रिसेशन या इन्फ्लेशन, इकॉनमी अपने आप को सेल्फ हील करेगी, यानी खुद करेक्ट करेगी, किसी भी तरह की मॉनिटरी या फिस्कल पॉलिसी का यूज़ नहीं होगा. ये हमारी सारी अजम्पशंस हैं. अब इन असम्पशंस को इकट्ठे करके हम समझते हैं हमारे दो सिनारियो रिसेशन एंड इन्फ्लेशन का सिनारियो और कैसे क्लासिकल मॉडल के हिसाब से ही वर्क करते हैं. ओके, सो बात करते हैं रिसेशन की. रिसेशन को समझने के लिए पहले हम अपना ग्राफ देखते हैं. सो यहाँ पर मेरा ग्राफ है जहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहीं पे हमारी आउटपुट जो है वो डिटरमिन होती है. वाई एक्सिस पे है हमारा प्राइस लेवल, यानी एक नेशन का एक इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल. अब देखते हैं हमारे डिफरेंट कर्व्स को. सो सबसे पहले है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि इस तरह से एक स्टैंडर्ड कर्व है. अब दो शॉर्ट रन, एक शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और एक लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, तो वो इस तरह से दिखते हैं. ये हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये है वर्टिकल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. अब एक बार इनको हम लेबल कर लेते हैं. सो ये हो गया मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1, ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये हो गया हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि एक ही है.
अब बात करते हैं कि इस पॉइंट पर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये बराबर है, ये है हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का। तो इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर हमारी जनरल इकोनॉमी में प्राइस लेवल है P1 और जो आउटपुट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लॉन्ग रन है तो इसलिए आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है वो है YFE यहाँ पर। अब बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन जो है वो डिटर्मिन होती है एग्रीगेट डिमांड से। अब अगर हमने देखा है, अगर आपको पता है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम यूजुअली लिखते हैं C+G+I+X-M, इस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं। यानी कि इन किसी भी कंपोनेंट्स में C यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और ये नेट एक्सपोर्ट्स, इनमें से किसी भी कंपोनेंट में चेंज आएगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगी। रिसेशन वो टाइम पीरियड है जब ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल हो जाती है। सो लेट्स से कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल हो रही है किसी भी रीजन से, लेट्स से कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है, तो इसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में कम हो रही है। तो अब अगर ऐसी सिनारियो होगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे आउटपुट और प्राइस लेवल में। तो वो चेंजेस कुछ इस तरह से दिखेंगे, यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये नया एग्रीगेट डिमांड कर्व ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अब जो हमारी प्राइस लेवल थी वो हो गई P1 से P2, एंड जो हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट थी वो हो गई है हमारी Y2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने दो ऑप्शंस आती हैं। एक कि वो ये जो कम आउटपुट है यानी YFE से जो उनकी आउटपुट यहाँ पे कम हुई है उसे एक्सेप्ट कर लें, और दूसरी है कि वो यहीं पे ऑपरेट करें। अब इस सिनारियो को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये YFE से जो Y2 पे आई इसमें क्या होगा। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है मेरी कम हो गई, लेट्स से AD से हो गई AD2, क्योंकि एक कंपोनेंट जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर जब ये कम हुआ यानी आउटपुट इकोनॉमी में कम प्रोड्यूस हो रही है, जब आउटपुट कम प्रोड्यूस होगी यानी कि एक फर्म को, एक प्रोड्यूसर को कम वर्कर्स चाहिए, तो यानी कि वो कम जो है लोगों को एम्प्लॉय करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये फेवरेबल नहीं है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने जो लेबर हायर करी थी, जो वर्कर्स हायर करे थे, उनको ट्रेन करा था, उनको स्किल करा था, उनके ऊपर टाइम और मनी जो है वो स्पेंड किया गया था उनको एक स्किल लेबर बनाने के लिए। ऑल्सो वो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेंगे तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे बजाय कि वो Y2 पर प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए वो हमेशा प्रेफर करेंगे कि वो जो है YFE पे ही प्रोड्यूस करें। अब YFE पे प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह से जो उनका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो अगर राइटवर्ड शिफ्ट होके इधर आ जाए और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो वापस जो है अपनी YFE वाली पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को राइटवर्ड कैसे शिफ्ट करा जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई जो है तब शिफ्ट होगी राइटवर्ड जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एंड हमने लास्ट अभी अजम्पशन में देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हैवीली डिपेंड करती है वेजेस पे। तो अगर वेजेस जो है वो कम हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर हमारा आता है प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ये अजम्पशन भी देखी थी कि शॉर्ट रन के अंदर जो है वेजेस फिक्स्ड होते हैं। तो अब इसका मतलब है कि शॉर्ट रन में वेजेस चेंज नहीं हो सकते। अब ये वेजेस फिक्स्ड होते क्यों हैं शॉर्ट रन में, इसकी तरफ देखते हैं। सो प्राइमरली इसके कुछ ऐसे रीजंस हैं कि फर्स्ट है हमारे पास हाई मिनिमम वेज। हाई मिनिमम वेज का मतलब है कि कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर आपको एक मिनिमम वेज गारंटी देना पड़ता है, आप उससे कम जो है वो नहीं पे कर सकते। सो हो सकता है कि जो मिनिमम वेज है वो किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई हो एंड आप किसी भी तरह से उस वेज को कम ना कर पाएं, यानी आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगी। सेकेंड रीज़न है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स।
अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब है, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है स्पेशली एडवांस नेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं यानी अनएम्प्लॉयड लोगों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत हाई होते हैं, उनकी पेमेंट बहुत हाई होती है। तो इसलिए कई बार जो ये आपकी वेजेस डिक्रीज करने वाला प्लान है ये वर्क नहीं करता, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे वो उससे ज़्यादा है। सो इस सिनेरियो में ये वर्क नहीं करता। द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियंस। जो एडवांस्ड और डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यानी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन में होते हैं। वो किसी भी तरह से ये परमिट नहीं करेंगे कि आप जो है वेजेस कम करो, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को नहीं चाहिए कि उनकी वेजेस जो है वो फॉल करें। इसलिए इन सारी रीज़न की वजह से वेजेस जो हैं वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहते हैं। अब जब स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियंस हैं, हाई मिनिमम वेज है, तो जो जितने भी वर्कर्स हैं वो भी कम वेज नहीं एक्सेप्ट करना चाहते और इसलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अल्टीमेटली शॉर्ट रन के अंदर जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, उसे इस वाई टू लेवल पे ही वर्क करना पड़ता है, उन्हें इसी लेवल पे ऑपरेट करना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई हमारी शॉर्ट रन की। लॉन्ग रन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम है फिक्स्ड वेजेस की, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर वेजेस जो हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं। अब अगर वेजेस वेरिएबल हो सकते हैं तो हमारा प्रोड्यूसर डेफिनेटली ट्राई करेगा कि वो अपनी कॉस्ट कम करे और वेजेस जो है वो कम कर सके। अगर वेजेस कम हो गए तो अल्टीमेटली उनका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर इनकी दोबारा इंटरसेक्शन हुई एंड दे कम बैक टू द YFE लेवल। ये YFE लेवल पे पहुँचने के बाद जो उनका प्राइस लेवल है वो हो जाएगा P3। अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये है मेरे पास SRAS2 एंड यहाँ पे हो गई मेरी प्राइस लेवल P3, वो आ गए वापस अपने YFE वाले लेवल पे। अब यहाँ पर क्योंकि वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल थे, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने वेजेस कम कैसे करे। सो ओवर टाइम जो है इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के बाद वर्कर्स को भी समझ आता है कि अगर वो इतनी ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। इसलिए फाइनली वो इस पूरे फिनोमिना को एडजस्ट करते हैं, वो इन लोअर वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं और इसलिए हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि ये YFE से पहले Y2 गया एंड अल्टीमेटली YFE पे वापस पहुंच गया। ये है हमारी क्लासिकल मॉडल की अजम्पशन कि बिना किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के एक इकोनॉमी ने अपने आप को एक रिसेशन वाली सिचुएशन से बाहर निकाला। ये जो YFE से ये Y2 हुआ, यानी कि ये जो था, इसे कहा जाता है एक डिफ्लेशनरी गैप। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिसेशनरी गैप। अब यहाँ पर दो और चीजें हैं। पहले में हमने देखा कि यहाँ पे AD1 से AD2 जब हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से ये शिफ्ट हुआ, तब हमारा प्राइस लेवल P1 से P2 गिरा, यानी कि डिमांड की वजह से, डिमांड चेंज होने की वजह से प्राइस लेवल कम हुआ। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल डिफ्लेशन। यहाँ पर डिमांड पुल हुई। लेकिन सेकेंड सिनेरियो में हमने देखा कि ये SRAS जो है, यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाहर गया, जिसकी वजह से प्राइस लेवल फर्दर ड्रॉप हुआ P2 से P3। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश डिफ्लेशन, यानी कि यहाँ पे प्राइस गिरा कॉस्ट पुश की वजह से, जो कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व से आई। ये है हमारा क्लासिकल मॉडल एक्सप्लेन करते हुए हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को रिसेशन के केस में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द केस ऑफ इन्फ्लेशन और बूम। ओके, सो बात करते हैं इन्फ्लेशन की। सो जैसे कि लास्ट एग्जांपल में था, यही हमारा ग्राफ है। इसी के अंदर हम लेबल करते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इनको एक बार लेबल कर लेते हैं। ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये है SRAS1 और ये है LRAS। अब इन्हीं के इंटरसेक्शन पे है हमारा प्राइस लेवल 1 और जो कि हमारी आउटपुट है फुल एम्प्लॉयमेंट पे YFE। अब जिस तरह से हमने पहले देखा था कि एग्रीगेट डिमांड कम हुई जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ, सिमिलरली इन्फ्लेशन के टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी एंड शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड,
which looks like this. तो अब हमारे पास यहाँ पर हो गई एग्रीगेट डिमांड. अब इसके नए इंटरसेक्शन के पॉइंट पे नया प्राइस लेवल होगा P2 एंड जो हमारी आउटपुट है वो हो जाएगी Y2. सो ये है मेरी AD2, ये है नया एग्रीगेट डिमांड. अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे था वो यहाँ से इंक्रीज हुआ कैसे. सो दैट्स अ वेरी लेजिट क्वेश्चन कि जो अगर हम कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकॉनमी वर्क कर रही है तो उससे ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस करेगी. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है इकॉनमी में, चाहे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, स्ट्रक्चरल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, कुछ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा होती है. ऑल्सो अगर सेम वेजेस पर मैं अपने वर्कर्स को बोलूँ थोड़ा सा ओवर टाइम करने के लिए तो भी वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में एंड अप करेंगे, जबकि बाकी कुछ जो है वो चेंज नहीं होगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ YFE. अब यहाँ पर मैंने आपको पहली स्लाइड में जहाँ पे हम अजम्पशंस पढ़े थे वहाँ पे हम LRS में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बोला था जो कि था सस्टेनेबल. यहाँ पर जब YFE से वो Y2 गया तो इसका मतलब है कि पहले वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रहे थे, सारे रिसोर्सेज सारे वर्कर्स जो हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे लेकिन सस्टेनेबली. लेकिन अगर वो इन्हीं कॉस्ट पे जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक अनसस्टेनेबल तरीके से ओवर टाइम करके या ओवर वर्क करके Y2 लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये है हमारी इन्फ्लेशन का पीरियड. अब इस इन्फ्लेशन के पीरियड में हम जो है देख रहे हैं कि आउटपुट जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है. अब इस शॉर्ट रन के अंदर क्योंकि वेजेस फिक्स्ड हैं तो इस छोटी ड्यूरेशन में शॉर्ट टर्म में वर्कर्स को इतनी जल्दी रियलाइज़ नहीं होता कि वो जो है एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कम वेजेस पे, इसलिए शॉर्ट रन में एक्स्ट्रा जो है आउटपुट प्रोड्यूस हो पाती है और प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमारे SRAS यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब क्लासिकल मॉडल के हिसाब से अगर हमें वापस इसे इकोनॉमी को अपने आप सेल्फ हील करना है तो किसी तरह से SRAS को लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ तब इंक्रीज होगी जब वेजेस इंक्रीज होंगे. अब शॉर्ट रन से जब हम बाहर निकलते हैं तो इस लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर वर्कर्स को फाइनली रियलाइज होता है कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और इस एक्स्ट्रा काम के लिए वो एक्स्ट्रा वेज डिमांड कर सकते हैं, तब जो है वेजेस इंक्रीज होते हैं और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, तब SRAS जो है हमारा शिफ्ट होके यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है एंड फाइनली फिर से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. अब हमारा जो आउटपुट लेवल है वो वापस आ गया YFE पे एंड प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया P3 पे. सो यहाँ पर जो मेरा SRAS है ये हो गया SRAS 2 यहाँ पे शिफ्ट होकर. ये है हमारा इन्फ्लेशन का पीरियड. अब इस इन्फ्लेशन के पीरियड में अगेन यहाँ पे हमने देखा कि YFE से Y2 हुआ, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. एंड यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर चीज़ें वर्क करती हैं. जब हमारा प्राइस लेवल P1 से P2 इंक्रीज़ हुआ तो ये P1 से P2 इंक्रीज़ हुआ किस रीज़न से, P1 से P2 वो चेंज हुआ जब हमारी एग्रीगेट डिमांड चेंज हुई, यानी कि ये थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन. लेकिन वो P2 से P3 तब चेंज हुआ जब उसकी SRAS जो है वो चेंज हुई 1 से 2, यानी कि ये है हमारी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो ये हमारा पूरी जो डिपिक्ट करता है क्लासिकल मॉडल में कैसे इन्फ्लेशन वर्क करती है. इस इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर जो है हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी कम हो जाती है एंड वो हमारी NRU से भी कम होती है. NRU यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी कम रहती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इस इन्फ्लेशनरी गैप. सो आई होप कि आप लोगों को क्लासिकल मॉडल जो है वो क्लियर हो गया होगा, उसकी अजम्पशंस और वो कैसे वर्क करता है अब की रिसेशन एंड इन्फ्लेशन के पीरियड में.
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा किनेशियन मॉडल और कैसे हमारा किनेशियन मॉडल वर्क करता है. थैंक यू सो मच.